वेलकम फ्रेंड, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हेल्थ मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लोकोनाजल टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, फ्लोकोनाजोल एक प्रकार की ट्राईएजोल एंटीफंगल दवा है जो कि फंगस के ग्रोथ को कम कर देती है व फंगस की वजह से होने वाली बीमारियों में काम आती है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह है एफडीसी लिमिटेड की जोकोन टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल की एफसीएन टेबलेट, सिप्ला लिमिटेड की फ्लूका टेबलेट, फाइजल की फ्लूकान टेबलेट और टोरेंट फार्मास्यूटिकल की सिस्कान टेबलेट। यह दवा आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनरिक फॉर्म को भी काम में ले सकते हैं। फ्लोकोनाजोल टैबलेट मार्केट में 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यह दवा मार्केट में टैबलेट फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट के फॉर्म में आती है। जब कभी भी इसे आईवी इंजेक्टेबल फॉर्म में दे तो हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्लोकोनाजोल टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला उपयोग है ओरोफेरेंगियल कैंडिडिएसिस में, जिसके अंदर जीभ पर सफ़ेद चकते बन जाते हैं और फेरिंग्स के अंदर भी सफ़ेद दाने बन जाते हैं, जो कि कैंडिडा एल्विकन की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को खाना खाने में और खाना निगलने में बहुत ही परेशानी आती है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा फ्लोकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका दूसरा उपयोग है वेजाइनल कैंडिडिएसिस में, जो एक प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और यह कैंडिडा एल्विकन नामक ईस्ट की वजह से फैलता है। इसकी वजह से महिलाओं के जननांगों से सफ़ेद पानी का आना, खुजली का चलना और जलन होना जैसी दिक्कतें आती हैं, और इस समय भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका अगला उपयोग है पुरुषों के जननांगों पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन में, जैसे कि जो कि ईस्ट डिजीज, जो कि नमी वाले मौसम में ज़्यादा होते हैं। इसे त्वचा पर गोलाकार लाल व खुजली वाले चकते बन जाते हैं। यह सामान्यतः शरीर के ढके हुए हिस्सों जैसे जननांगों के पास, जांघों के पास व कांख में अधिक दिखाई देते हैं। इस समय भी डॉक्टर द्वारा फ्लोकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस में। यह एक प्रकार का मस्तिष्क में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। इसमें भी डॉक्टर द्वारा फ्लोकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है कोकिडियोडोमाइकोसिस में। यह एक प्रकार की फेफड़ों में होने वाली बीमारी है, जिसमें फेफड़ों के अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा फ्लोकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इस दवा का अगला उपयोग है एथलीट फुट में। एथलीट फुट आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच से होता है। एथलीट फुट को टीनिया पीडिस भी कहा जाता है। यह आमतौर पर उन लोगों में देखा जाता है जो हमेशा टाइट शूज पहनते हैं। इसमें त्वचा पर दानों का आना, खुजली होना, चुभन और जलन होना रहता है। एथलीट फुट की वजह से ट्राइनेस व पंजों के स्केलिंग भी हो सकती है, जो कि पैर के ऊपर की ओर फैलती है। इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा फ्लोकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग स्किन पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन, जिसमें दाद, खाज व खुजली का चलना
साथ ही साथ हाथों और पांवों के नाखूनों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन में, जिसमें नाखूनों को धीरे धीरे खराब होकर टूटना रहता है, इसमें भी इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोकोनाजोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सामान्यतः इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी किसी किसी मरीज में नौजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रेसेस और हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत इस दवा को बंद कर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हम फ्लोकोनाजोल टैबलेट की डोज की बात करें तो अधिकतर टीनिया इन्फेक्शन व स्किन कैंडिडा इन्फेक्शन में यह दवा 150 मिलीग्राम की सिंगल ओरल डोज दी जाती है, जो कि हर एक चौथे दिन रिपीट की जाती है। इस तरह से यह एक महीने तक दी जा सकती है, यानी कि एक महीने में टोटल 8 टैबलेट दी जा सकती है। अगर हम बात करें वेजाइनल कैंडिडाइसिस, तो वहाँ पर 150 मिलीग्राम की सिंगल डोज दी जाती है, जो कुछ समय बाद में वापस रिपीट की जा सकती है। इसकी कोई भी डोज को स्किप नहीं करना चाहिए, यानी कि इसकी डोज को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि आप ठीक हो गए हैं तो भी इसके कोर्स को कंप्लीट लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसकी कभी भी कोई डोज स्किप ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी डोज स्किप हो गई है तो तुरंत याद आते ही वह डोज वापस ले लेनी चाहिए। इसकी कभी भी डबल डोज नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ इस दवा को कभी भी गर्भवती महिला व वेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दवा बेबी के डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी फ्लोकोनाजोल टैबलेट के बारे में। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो सही समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.